गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हम क्लास सिक्स की बालराम कथा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सोने का हिरण चैप्टर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो है हिरण का पीछा करते हुए राम जा रहे हैं। यहाँ से सीता ने हिरण पकड़ने के लिए कहा था, वो लक्ष्मण को क्या कह गई, सीता की रक्षा करने का आदेश दे गई। सीता कुटिया में चली गई और लक्ष्मण जो है धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। इधर आप देखिए, राम जो हिरण के पीछे भाग रहे हैं। राम को कुटी से निकलते देख मायावी हिरण कुलाचे भरते हुए बहुत दूर ले गया। अब जो हिरण था वो कैसा था, मायावी था, यानी रूप बदलने वाला। जो राम को जब देखा उसने कि राम उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो कुटी से बहुत दूर चला गया। राम जब हिरण को जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। अब जब राम ने देखा कि हिरण को वो जीवित नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसको मारकर ही ले जाऊं, और उन्होंने एक बाण उस पर छोड़ दिया। जैसे ही बाण हिरण को लगा, हिरण गिर गया और अपने असली रूप में आ गया। मारिच ने केवल अपना रूप ही नहीं, आवाज भी बदली थी। जो हिरण था उसका असली रूप कौन था, मारिच, जो ताड़का का पुत्र था। अब उसने केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, बल्कि आवाज भी बदल ली, और उसने धरती पर पड़े हुए जोर से राम की आवाज में चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। आवाज ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वो सहायता के लिए बुला रहे हों। राम ने जब ये पुकार सुनी तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। क्या मंशा है कि भाई वो लक्ष्मण आ जाएं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो बोलेंगे तो क्या होगा, लक्ष्मण वहां से चल पड़ेंगे। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते। उन्होंने कहा जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, मुझे उसको सफल नहीं देना होने देना है, इसलिए वो जल्दी से कुटिया की तरह भागे। इधर जो मायावी अपुकार थी वो सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण भी उसका राज उसी समय समझ गए राम की तरह ही कि ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। उन्होंने धनुष बाण जो थे मजबूती से पकड़ लिए, लेकिन सीता वो आवाज़ सुनकर घबरा गई और लक्ष्मण को कहा, तुम्हारे भाई किसी संकट में हैं और जो है तुम जल्दी करके जाओ। लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण ने कहा आप चिंता ना करें, राम संकट में नहीं है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वो नकली है, कोई मुझे कुटिया से दूर करना चाहता है। अब सीता जी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उबल कर पड़ी और उन्हें लक्ष्मण को कहा, तुम राम का भला नहीं चाहते हो, तुम्हारे मन में पाप है। उन्होंने ये कहा कि कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो। अब सीता की जो बातें थी उससे लक्ष्मण को गहरा धक्का लगा। उन्होंने पलट कर उत्तर तो नहीं दिया, सब सिर झुका कर सुन लिया, बस केवल इतना बोले, हे देवी, ये राक्षसों का छल है, मुझ पर विश्वास करो, भैया को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, राम से बिछड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी, हे लक्ष्मण तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए और राम की ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, वे राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही वहां पर रावण आ पहुंचा, तपस्वी जैसा जटाजूट। सीता ने उसे साधु समझकर उसका स्वागत किया। तब रावण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुद चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो सोने की लंका में, मेरी रानी बनकर रहो, मैं लंका का राजा रावण हूँ। सीता क्रोधित हो गई और कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो राम की पत्नी हूँ, तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राम बहुत शक्तिशाली है और वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। रावण ने सीता की बात नहीं सुनी और वो उसे खींच कर रथ पर बैठा कर ले चला। सीता कोशिश करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। खुद को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, रोने लगी। रास्ते में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उसके राम को बता दे। गिद्धराज जटायु ने जब सीता का विलाप सुना तो उसने रावण पर हमला बोल दिया और उसे घायल कर दिया। गुस्से में रावण ने क्या किया, जटायु के पंख काट डाले, वह सीधे धरती पर
आग गिरा, क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकता था तो सीता की रक्षा नहीं कर सकता था। तब सीता जो को लगा कि कोई अब उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना शुरू कर दिया, जिन्हें वानरों वानरों यानी बंदरों ने उठा लिया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे राम को पता चल जाएगा सीता किस रास्ते से गई है। जब रावण लंका पहुंच गया तो उसने सीता को प्रभावित करना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं मानी तो राक्षसियों के बीच छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, फैसला तुम्हें करना है, तुम मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या रोते हुए जीवन बिताओगी। और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। उन्होंने राक्षसियों को कहा, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन उसे कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं